हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नॉयमन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग, आज है संडे, तो मैं आ गया हूँ टीवीएस में। मेरे साथ है सुमन भैया, तो भैया टीवीएस में ही काम करते हैं। तो भैया बोलिए, आज जो गाड़ी है वो क्या है? आज के ये 6XL 100 है। एंड ये बाइक का प्राइस कितना है? इसका प्राइस है 58,000। एंड ये तो बहुत ही फेमस है, जो लोग मतलब बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं वो। अभी ये बाइक BS6 में आ चुका है, तो इस बाइक का एक अलग ही फैन बेस है। तो देख लीजिए, पीछे पूरा स्टॉक पड़ा है। एंड BS6 है, उसका जो माइलेज का परफॉर्मेंस और वो कैसा है? माइलेज पहले से आप ज़्यादा देगा, E5 इंजन है ना, ठीक है। ओके, 55-60 से अंदर रहेगा। ओके ठीक है, चलिए फिर गाड़ी का वॉक अराउंड एंड पूरा डिटेल करते हैं एंड शुरू करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, फाइनली TVS ने BS6 पे इसको अपग्रेड कर चुका है, इस मोपेड को। ये 99.7 cc का एक इंजन इसमें है, जो एयर कूल्ड सिस्टम पे चलता है। एंड इसमें आप अभी FI में ही आएगा, मतलब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा है इसमें। TVS का एक नया टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है, वो इको थ्रस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें इस FI इंजन को और ज़्यादा माइलेज एफिशिएंट बनाता है। एंड इसमें जो पावर है वो 4.4 PS का पावर एट 6000 RPM में डेवलप करता है। एंड उसी के साथ इसमें टॉर्क ज़्यादा है पावर से, क्योंकि ये गाड़ी टॉप स्पीड के लिए नहीं बना है, इसको बिजनेस पर्पस करने मतलब यूज़ करते हैं इसको ज़्यादातर। इसमें ज़्यादा लोड को कैरी करने के लिए 6.5 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 3500 RPM में इसको डिज़ाइन किया गया है। एंड इसमें आपको एक FI इंजन मिलेगा। एंड ये आपका पंप देख सकते हो। एंड इसमें आपका जो इस इंजन है वो सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जिसका बोर है 51 mm एंड स्ट्रोक है 48.8 mm। ये BS6 कॉम्प्लाइंट पे है। इसमें जो मतलब चेन ड्राइव है, लेकिन अंदर इसका CVT है, मतलब जो स्कूटी में होता है बेल्ट ड्राइव। एंड उसमें जो इंजन है, इसमें आपको किक एंड सेल्फ दोनों ही मिल जाएगा। एंड इंजन थोड़ा सा एफिशिएंट है, BS4 के हिसाब से इससे 5 से 10 का माइलेज ज़्यादा अपग्रेड मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस किया गया है। इसमें आपको अभी FI का जो इंजन माल फंक्शन लाइट वो मिलेगा, उसके साथ लो फ्यूल इंडिकेटर वो भी मिलेगा। एंड उसके साथ जो साइलेंट स्टार्टर है उसका भी इंडिकेशन मिलेगा। एंड बाकी सब नॉर्मल है, एनालॉग कंसोल है। इसमें आपको ओडो, स्पीडोमीटर, पास के स्विच, उसके साथ इंडिकेटर्स का स्विच नॉर्मली जो होना चाहिए वो होता है। एंड इसका जो हैंडल लॉक है वो साइड से होता है एंड नॉर्मली ऑन ऑफ ऊपर से होता है, आप देख सकते हो। स्विचिंग पे अभी इंजन किल स्विच होंडा SP साइन की तरह ही दिया गया है। इंजन सेम स्विच पे इंजन स्टार्टिंग एंड इंजन किल स्विच आपको मिलेगा एंड साइलेंट स्टार्टर आल्सो मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेक लीवर्स मिलेगा। एंड उसी के साथ जो DRLs है उसके, वो तो ऑटोमेटिक चलेगा। उसके साथ हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए हाई बीम लो बीम का भी स्विच दिया गया है। हॉर्न, नॉर्मल इंडिकेटर्स, पास स्विच जो होता है वही सब कुछ दिया गया है। एंड लाइटिंग आपको जो नॉर्मल था पिछला वर्सन BS4 वर्सन वैसे ही सेम है, वो DRLs आपको जला हुआ मिलेगा। एंड नॉर्मली पहले उसमें हाई बीम लो बीम नहीं था, वो दिया गया है। एंड हैलोजन टाइप सी है बल्ब टाइप्स, मतलब बैक मिरर, मतलब बैक जो टेल लाइट है वो भी आपका बल्ब टाइप्स। एंड फ्रंट में भी आपको बल्ब टाइप सी मिलेगा। उसी के साथ जो फ्लेक्सिबल्स ऑरेंज कलर का आपको इंडिकेटर्स मिलेगा, वो बहुत ही अच्छा है। उसी के साथ जो हैंडल है वो अपराइट पोजिशन पर ही है, जो इसका राइडिंग कम्फर्ट था वही सेम मिलेगा। एंड चलिए इसके बाद बात करते हैं गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। फ्रंट में आपको एक कवर्ड टेलीस्कोपिक स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर एंड रियर में आपको स्विंग आर्म टाइप्स कॉइल लोडेड हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिल रहा है, जो बहुत ही कंफर्टेबल है। एंड इस बाइक मतलब इस बाइक बोलो या फिर मोपेड बोलो, इस मोपेड में स्पेशली इसके पीछे जो सीट है इसको आप रिमूव कर सकते हो ज़्यादा लोड कैरी करने के लिए। एंड इसी के साथ गाड़ी के ओवरऑल डायमेंशंस के ऊपर आते हैं। डायमेंशंस गाड़ी में जो पिछला वर्सन था सेम ही है, मतलब इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 115 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ 780 mm का जो सीटिंग कैपेसिटी है वही है। सीट आपको रिमूव भी कर सकते हो और रख भी सकते हो। ग्रैब रेल्स इसका बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ आपको अभी इसका जो पिछला वर्जन था वो 4 लीटर का फ्यूल टैंक था, उसको अपग्रेड करके 5 लीटर कर दिया गया है। इसका गाड़ी का वेट है 89 kg। इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 130 kg है। एंड इसमें आपका जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो एक फैक्टर है, क्योंकि इस CC का जो गाड़ी है वो ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम होने की वजह से तो लग सकता है, लेकिन मतलब जो इन इसका यूज़र्स है उसको भी मतलब कोई गाड़ी को ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करना है। एंड इसका ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ब्रेकिंग आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेगा विथ सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब CBS ब्रेकिंग सिस्टम ही इसमें भी आपको मिल रहा है। एंड ब्रेकिंग सिस्टम में मैं बोलूँ तो इसका ब्रेक बहुत ही अच्छा है, तगड़ा है। एंड ब्रेक में आपको ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगा, क्योंकि अभी TVS ने सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम इतना छोटे CC की गाड़ी में भी लेके आ गया है, जैसे इस मोपेड में। एंड टायर्स आपको एक रेडियल टायर्स मिलेगा फ्रंट में एंड रियर में, सेमी ऑफ रोड टाइप टायर्स मिलेगा जो आपको ज़्यादा अच्छा ग्रिप देगा। एंड 16 इंच का टायर्स मिलेगा, मतलब
जो डाया है, एंड उसी के साथ थिकनेस है 2.5 इंच, मतलब आप पता कर सकते हो जो नॉर्मली कितना चौड़ा होगा टायर का विथ, वो है 2.5 इंच का, फ्रंट एंड रियर में सेम मिलेगा। एंड उसी के साथ गाड़ी में जो ओवरऑल लुक्स है वो बहुत ही अच्छा है। एंड इसमें आप नहीं मिलेगा स्पोक मिलेगा, क्योंकि जितना भी गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए होता है वो स्पोक में ही आता है। स्पोक में आपको ज़्यादा अच्छा बैलेंसिंग एंड राइडिंग कंफर्ट मिलेगा, क्योंकि स्पोक फ्लेक्सिबल होता है, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है ज़्यादा, उसी के बाद उसको सस्पेंशन सिस्टम में भेजता है। एंड इसके साथ आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। इसका जो तीनों मॉडल है इसमें, मतलब जो स्टैंडर्ड वर्सन, जो स्पेशल एडिशन एंड जो मतलब स्टैंडर्ड विथ आई टच स्टार्ट, इसमें जो डिफरेंसेस है वो थोड़ा बहुत फीचर्स में है। जैसे आपको स्टैंडर्ड वर्सन में ड्यूल हॉर्न मिलता है, उसके साथ डिटैचेबल सीट सब में मिलता है, आई टच मतलब साइलेंटली स्टार्टिंग होगा, उसके साथ आपको मोबाइल रिचार्ज का भी मतलब फैसिलिटी होगा, उसी के साथ इंजन किल स्विच एंड जो फ्लोर स्पेस है वो ज़्यादा मिलेगा। ये सब फैसिलिटीज़ है और ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें आपको 2-3 हज़ार का डिफरेंसेस मिल जाएगा। तो गाड़ी आप शोरूम में विजिट कीजिए, टेस्ट राइडिंग लीजिए। ये जो मतलब मोपेड है ये बिजनेस पर्पस एंड उसी के साथ जो एजेड पर्सन है उनको लिए अच्छा है। तो गाड़ी को आप टेस्ट करके देखिए आपको कैसा लगता है, देन आप डिसाइड कीजिए। एंड ये गाड़ी 23 ईयर्स से मतलब TVS बेच रहा है एंड अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट है एंड गाड़ी को बंद नहीं किया है। तो गाड़ी बहुत ही दमदार है, ट्यूब वाला टायर मिलता है जो आपको ज़्यादा एफिशिएंसी देगा, मतलब जिसका लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा करता है, क्योंकि ऑफ रोडिंग में जो सब बाइक्स यूज़ होता है, जो एडवेंचर बाइक्स होता है, उसमें भी स्पोक विथ ट्यूब वाला टायर रहता है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, अगर आपको गाड़ी से गाड़ी का प्राइस या फिर स्टॉक अवेलेबिलिटी लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो भैया को डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर है, तो भैया कॉल या फिर मेल का रिप्लाई आप देंगे ना। ओके, तो कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आप खड़गपुर से हो या फिर इसके आसपास में कहीं पे ढूंढ रहे हो या फिर आपको स्टॉक नहीं मिल रहा है। BS6 का अपाची का भी स्टॉक मिल जाएगा भैया एकदम, एंड BS6 जो है हेवी ड्यूटी XL सुपर ये भी मिल जाएगा। तो काइंडली कॉन्टैक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।